नमस्कार दोस्तों, मैं राम कुमार आज फिर से आया हूँ एक नए पॉडकास्ट के साथ। और आज का पॉडकास्ट का जो मुद्दा है, जो टॉपिक है, वो है बेरोजगारी। हम और आप और हर कोई ये देख पा रहे हैं बेरोजगारी किस चरम सीमा पे बढ़ता जा रहा है। तो आज हम लोगों का ये जो मुद्दा है, वो सबसे बड़ा मुद्दा और सबसे बड़ा सिरदर्द जिसके ऊपर हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं, जो है वो है बेरोजगारी। और इस बेरोजगारी के ऊपर चर्चा करने के लिए हमारे साथ उपलब्ध हैं मिस्टर पप्पू कुमार जी। नमस्कार जी। पप्पू जी, मैं ये आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि बेरोजगारी बढ़ने का ये जो कारण है, वो सबसे बड़ा कारण क्या है जिसके कारण से ये बेरोजगारी इतने हाई लेवल पर बढ़ता जा रहा है? देखिए, बेरोजगारी बढ़ने का सबसे मुख्य कारण आप चाहिए मैंने 1995 से 2000 के भीतर आप देखिएगा कि जैसे मैं वेस्ट बंगाल का ही पहले ले लेता हूँ मुद्दा, कि पहले हमारे जूट मिल जो थे वो बहुत सारे जूट मिल थे, मतलब एक एक जो क्षेत्र था, जैसे हम लोग का एरिया हो गया कौन नगर रिश्ता, जैसे श्रीरामपुर, हर एक स्टेशन पे मतलब 4-5 जूट मिल मतलब मिल ही जाते थे जी। और वो गंगा के किनारे ही बसे हुए रहते थे, जिससे उनको पानी उपलब्ध अच्छी मात्रा में हो जाते थे और रॉ मटेरियल जो जूट के लिए जो ये चाहिए था वो भी मिल जाता था, तो उसमें आयात निर्यात भी हो पाता, हाँ, आसानी से हो जाता था। तो उस समय क्या था कि मतलब जो हमारे लोकल के जितने भी गरीब मजदूर जो भी थे, वो वहाँ पे उनको जॉब मिल जाता था, वो अपना जीविका वहाँ से वो चला लेते थे। लेकिन जब 2000 से जब हम लोग 2015 के बीच में गए, उसके बाद क्या हुआ कि हमारे जो वेस्ट बंगाल में जितने भी सारे जूट मिल थे, वो धीरे धीरे श्रमिकों की छटाई करने लगे, वो सस्पेंशन ऑर्डर लगाकर वो लोग जूट मिल को बंद करने लगे, जिससे बहुत सारे श्रमिक जो हैं बेरोजगारी की तरफ बढ़ने लगे, मैंने अब वो बेरोजगार हो गए। अब उनको क्या लगने लगा कि अब उनको यहाँ पे अब जॉब मैंने सस्पेंशन लगने के बाद आप वहाँ काम नहीं कर सकते, आप नहीं जा पाते, वहाँ ताला लग जाता है, तो अब वो किसी दूसरे मैंने क्षेत्र में वो काम करने जाने के में भी वो सक्षम नहीं हो पाते थे, क्योंकि अगर कोई अपना 10-15 साल अगर कोई जूट मिल में दिया तो उनको आगे मैंने कुछ प्रोग्रेस करने का उनको मौका ही नहीं। तो वो बंद होने का एक मेन रीज़न था कि ये मैंने कमर तोड़ने का, मजदूर जो भी बेरोजगारी का ये वहाँ से आरंभ होता है, वहाँ से मैंने मजदूर या जो भी बेरोजगारी का एक उद्गम यहाँ से उत्पन्न होता है। उसके बाद सेकेंड स्टेज में मैं और एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि सेम उसी समय में कुछ टायर की फैक्ट्रियाँ हुआ करती थी, जैसे हमारा टायर फैक्ट्री जो डंगला पुल्ला पास होता था, जैसे बैटरी की फैक्ट्रियाँ होती थी, उसमें भी बहुत सारे श्रमिक काम करते थे, अचानक उसमें भी सस्पेंशन का ऑर्डर लगने लगा, जब वो भी बंद होने लगे तो उसमें भी से भी श्रमिक बहुत सारे बेरोजगार हो गए। और लास्ट हम लोग अपना आसपास का जो हीन मोटर का ही फैक्ट्री का हम लोग ले लें, वो भी 1997-98 से शायद वो धीरे धीरे मतलब बंद के कगार पे बढ़ने लगी, मतलब प्रोडक्शन उनका कमने लगा और वो लोग श्रमिक का छटाई BRS ये सब आरंभ कर दिए। जैसे मैंने उस समय जब श्रमिक थे हीन मोटर में, बहुत सारे श्रमिक थे, जब उनका जब छुट्टी होता था तो मैंने रास्ता पूरा 10-15 मिनट के लिए जाम हो जाता था, इस तरह का हम लोग देखते थे सिचुएशन, आप ही देखे होंगे। लेकिन अब ये समय ऐसा, जैसे जैसे हम लोग आगे प्रोग्रेस करते गए, जैसे ही उसमें भी सस्पेंशन लगते गया और अंत में वो 2014 में ही पूरा सस्पेंशन काउंटर लग के शायद वो पूरी तरह से बंद हो गया, ठप हो गया, अब वो मतलब पूरी तरह खंडर ही हो चुका है। तो ये जो हमारे कल कारखाने जो पहले थे, जो जिसमें श्रमिक हमारे मजदूर जो हमारे भाई थे वो काम करके अपनी जीविका प्राप्त कर रहे थे, तो इनका जो फैक्ट्री या जूट मिल बोलिए ये सब जो बंद होते गए धीरे धीरे, तो इससे बेरोजगारी बहुत मैंने तीव्र गति से बढ़ गया। मैंने हमारे वेस्ट बंगाल कल्चर का मैं बात कर रहा हूँ, और ओवरऑल इंडिया में हम लोग अगर बात करें तो बेरोजगारी की संख्या तो है ही, वो तो हम लोग देख ही रहे हैं, हम लोग भी झेल रहे हैं। तो इसका एक मुख्य रीज़न ये भी है कि मतलब हमारी जो जनसंख्या वृद्धि हो रही है, वो भी एक मुख्य रीज़न है कि अगर हमारी जनसंख्या अगर बढ़ रही है और तो हम लोग को जो जॉब का सेक्टर वो एक सीमित है, लेकिन हमारी जो जनसंख्या बढ़ रही है वो काफ़ी तादाद में बढ़ जा रही है, तो जिससे अभी लोगों को बेरोजगारी की परेशानी झेलना पड़ रहा है, ओवरऑल इंडिया का मैं बात कर रहा हूँ। ये मुद्दा मेरे को लग रहा है कि ऐसा इससे हम लोग को ये करना चाहिए, ध्यान देने की जरूरत है। तो क्या जैसे कि आपने बोला कि जूट मिल बंद होने की वजह से
बेरोजगारी बढ़ रहा है या मतलब कोई भी फैक्ट्री वगैरह सब भी बंद हो गए हैं जिसकी वजह से बेरोजगारी बढ़ गया, तो ये फैक्ट्री और जूट मिल या और भी जितने भी जैसे टायर, क्या टायर अभी नहीं बन रहे हैं? आप, मैं यही जानना चाह रहा हूँ कि टायर क्या नहीं बन रहा है, ना ही कोई क्या कार नहीं बन रहे हैं, तो प्रोडक्शन कहीं ना कहीं से हो रहा है, तो क्या इसके पीछे जो कि डेवलपमेंट है वो जिम्मेदार है या कि बंद होना जिम्मेदार है? इसके पीछे जो अभी बोल रहे हैं आप टायर जैसे नहीं बन रहा है, ये बन रहा है, तो इसके पीछे मैं यही बोलूँगा कि टेक्नोलॉजी, अभी जो मशीनरीज आ गई है हम लोग की, जैसे पहले क्या था, सब मतलब नॉर्मल रूप से श्रमिकों द्वारा किया जाता था, उनके हाथों द्वारा किया जाता था, जहाँ पे 100 श्रमिक जिस काम को करते थे, आज जो मशीनरीज आ गई हैं, जो हमारी टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, वो टेक्नोलॉजी आकर क्या कर रही है, अभी 100 लोगों के काम को वो मशीन अकेले कर रही है, तो यहाँ पे क्या हुआ, वो 100 लोग बैठ गए बेरोजगार हो गए और वो मशीन अकेले काम कर रहा, उस मशीन को चलाने के लिए हो सकता है एक या दो लोग ही लगते होंगे, तो 100 = आप देखिए दो या एक लोग जो उस मशीन को चला रहे हैं उस हिसाब से वहाँ पे रोजगार मिलता है, तो आप मान लीजिए 98 जो लोग हैं वो बेरोजगार पड़े, वहाँ से 2% लोग जो उस मशीन को चला रहे हैं वो रोजगार पा रहे हैं, लेकिन 98 जो लोग हैं वो बेरोजगार हो गए, तो उस समय जो काम होता था वो प्रॉपरली मतलब मैनुअल होता था, तो इसलिए रोजगार की संख्या ज़्यादा थी, लेकिन अभी क्या हो गया, टेक्नोलॉजी और जो मशीनरीज हमारे पास आ गई हैं तो वो क्या कर रही है, वो 100 लोगों के काम को अकेले वो मशीन करते हैं, तो एक और बड़ा रीज़न है कि जो टेक्नोलॉजी जैसे जैसे हमारी बढ़ती जाएगी, लोगों की छटाई, लोग काम कम पाएंगे, तो उसके लिए अब क्या है, अब हमें मैंने टेक्नोलॉजी के रूप में काम करना होगा, जो भी जिनको भी काम प्राप्त करना है उनको ट्रेनिंग की दरकार है मशीनरी चलाने की, या उस लेवल पे हमको पढ़ाई करने की ज़रूरत है, तभी हम लोग बेरोजगारी को कम कर पाएंगे। जी सही है, तो आपने मतलब ये जिस हिसाब से बताया कि धीरे धीरे जितनी भी फैक्ट्रियां बंद हो गई जिसके वजह से बेरोजगारी बढ़ता गया, तो अभी जैसे मैं और भी एक कारण देख पा रहा हूँ कि ये प्राइवेट फॉर्म में जॉब होना, तो कितना आप यही बताइए कि गवर्नमेंट जॉब कितना है और प्राइवेट जॉब कितना है। अब मैं यहाँ पे ये भी दर्शकों से ये भी कहना चाहूँगा कि आप खुद बताइए सर कि गवर्नमेंट जॉब एक सीमित दायरे में है, वो बढ़ नहीं सकता है और बढ़ नहीं सकता, बढ़ जितना है उतने पद पे भी भर्तियां कम होती जा रही हैं, भर्तियां सालों साल से ठप पड़ी हुई हैं, बहुत सारे रिक्त स्थान हैं लेकिन भर्तियां नहीं हो रही हैं, और प्राइवेट फॉर्म में आप ही बताने का प्रयास करें कि प्राइवेट फॉर्म में अगर एक परिवार में मैं केवल दो लोगों का कैलकुलेशन करूँगा, हस्बैंड वाइफ का, तो अगर एक परिवार प्राइवेट फॉर्म में जॉब करके अगर अपना पेट पालन पोषण करना चाहे और दो पैसा बचाना चाहे तो उन्हें कितने पैसों की ज़रूरत पड़ेगी? मैं आपसे भी ये क्वेश्चन करता हूँ, आप भी इसको आप कमेंट करके बताने का प्रयास करेंगे, और साथ में मैं पप्पू जी से भी पूछता हूँ। तो देखिए अभी सरकारी नौकरी लेना तो सबके बस की बात नहीं, जो आज ही नहीं पहले भी था, लेकिन अभी भी मैं वही बोल रहा हूँ कि जिसके पास जितना अच्छा टैलेंट होगा, जो जितना अच्छा पढ़ाई लिखाई किया रहेगा, वो उस जगह पे जा सकता है, लेकिन देखिए सबका दिमाग तो एक तरह नहीं होता है, तो अगर सभी अगर सरकारी नौकरी लेंगे तो प्राइवेट कौन करेगा, तो ये चीज़ बना हुआ एक डिवाइड है, सब दिमाग के अनुसार, सब अपने काबिलियत के अनुसार ही नौकरी या सरकारी नौकरी पाते हैं। तो मैं सीधे पॉइंट पे आता हूँ, जो आप प्राइवेट नौकरी फर्म के बारे में बात कर रहे हैं कि वहाँ नौकरी के मतलब किस हिसाब से मतलब काम करने पे और दो ही लोगों का परिवार चलाने के लिए कितने की ज़रूरत हो सकती है, तो सबसे पहले मैं प्राइवेट फर्म के बारे में बताना चाहूँगा कि अभी के जो प्राइवेट फर्म है वो पूरी तरह मनमानी कर रहे हैं, वो मतलब आपका फ़ायदा उठा रहे, लोगों का फ़ायदा उठा रहे, क्योंकि बेरोजगारी अभी इतना हाई लेवल पर बढ़ गई है कि अगर आपको रिक्वायरमेंट है, मान लीजिए आप इस मैंने आपको जो जिस पैसों की दरकार है महीना लगने पे, आपको जो सैलरी चाहिए वो लोग नहीं दे रहे, लेकिन आप मजबूर हैं, वो जो मैंने अपने मनमानी से अगर आपको बोल दिए कि मैं महीने का 10,000 दूंगा, तो आप मजबूर हैं कि चलो भाई आप कर लेंगे, क्योंकि आप मजबूर हैं, अभी कहीं जॉब का वैसा बेरोजगारी इतना हाई लेवल पर बढ़ा हुआ, लोग इतने बैठे हुए हैं, तो आप 10,000 भी अगर देगा तो आप एग्री कर जा रहे हो, तो ये मैंने अभी का इंसान जो अभी का जो बेरोजगारी का जो सिचुएशन है, आदमी
कष्ट में भी कुछ माने अपने पेट पालन अपने परिवार पालन के लिए वो कष्ट में भी वो 10,000 में ही करने के लिए मजबूर है। लेकिन ये एक्चुअल सैलरी नहीं है। अगर प्राइवेट फर्म के जो भी संचालक हैं मैनेजमेंट हैं उनको चाहिए कि एक मिनिमम 2 परिवार चलाने के लिए भी उनको 15,000 से 20,000 का मिनिमम सैलरी होना ही चाहिए जी। तो ये एक परिवार नॉर्मली स्मूथली थोड़ा बहुत चल सकता है। ये आपसे जानना चाह रहा था कि जो प्राइवेट सेक्टर जो है उसमें सैलरी जो देख पा रहे हैं कि मतलब बहुत ही मिनिमम है, तो हम ये आपसे ये जानना चाह रहे हैं और दर्शकों से भी ये जानना चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर ये दोनों जो है यहाँ पे क्या मतलब कोई ऐसा गवर्नमेंट नियम कानून लेकर आता जिससे कि जैसे हम लोग देख पा रहे हैं मतलब स्टडी इसलिए कर रहे हैं कि भाई अच्छा जॉब पा जाए। कौन सा जॉब? गवर्नमेंट जॉब। और गवर्नमेंट जॉब एक लिमिट दायरे में है, वो हर कोई नहीं पा सकता है। हजारों में हो सकता है 10 लोग ही पाएंगे, तो हजार लोग ट्राई कर रहे हैं और स्टडी कर रहे हैं पढ़ाई कर रहे हैं अच्छे से अच्छे लेवल के लिए, लेकिन उसमें से 10 लोग ही चयन होंगे 1,000 में 10। और क्या होगा उतने सारे जो बचे हुए लोग हैं उनको प्राइवेट फॉर्म में ही जाना पड़ेगा। तो क्या गवर्नमेंट को नहीं चाहिए ऐसा कोई नियम कानून लेकर आए जिससे कि गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादा बड़ा रेशियो ना हो करके अप्रोक्स समानांतर में आ जाए। जैसे आपको बता देना चाहूँगा 100 और 70 का रेशियो रहे कि भाई प्राइवेट में भी वो अगर जाते हैं तो उनको ऐसा ना लगे कि मैं बहुत ही कम सैलरी पा रहा हूँ और वो वहाँ पे करना मेरे लिए जायज नहीं होगा। देखिए मैं अपना पर्सनल व्यू इस विषय पे शेयर करना चाहूँगा। मैं चाहता हूँ सरकार अगर कोई एक आदमी जो सरकारी नौकरी जो कर रहा है उसका जो सैलरी है उसका अगर प्राइवेट फर्म में काम करने वाले जो स्टाफ हैं उनको अगर उस सरकारी जो काम करें उनका 50% भी उनका एक रेशियो बना दिया जाए कि अगर सरकारी नौकरी में अगर कोई 50 या 60,000 का सैलरी ले रहा है तो प्राइवेट फर्म में ऐसा नियम लाया जाए कि उसका सरकारी जो एक आदमी जो सैलरी पा रहा है उसका 50% अगर प्रत्येक जो प्राइवेट फर्म में काम कर रहा है अगर वो सैलरी का बेस कर दिया जाए तो ये मानता हूँ कि मैं हम लोग बैलेंस करके हम लोग बेरोजगारी पर थोड़ा सा मिनिमम रेट को रेशियो को कमा पाए और इससे एक जो परिवार है वो स्मूथली अपना रन भी कर पाएगा अपनी फैमिली को। तो प्राइवेट फॉर्म में बहुत सारे प्राइवेट फॉर्म आ जाते हैं जो कि एक लोअर कैटेगरी का, एक मिडिल कैटेगरी का, एक हायर कैटेगरी। वो देखिए अब वो अपना जो उनका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उस हिसाब से उसको वर्गीकृत करें तो वो बहुत ही बेहतर होगा। मतलब आपके हिसाब से ऐसा एक नियम कानून आना चाहिए जिसमें प्राइवेट एंड गवर्नमेंट ये दोनों जो सेक्टर हैं जो कि स्टैंडर्ड लेवल पे प्राइवेट सेक्टर के जो स्टैंडर्ड लेवल पे जो कंपनियां हैं वो उस लेवल पे उनको नियम कानून के दायरे में चलना पड़े जो कि है भी। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट नहीं लाई है। नहीं, आप जो बोले आपका प्रश्न से मैं सहमत हूँ तो मैं वही बोलना चाह रहा हूँ। जैसे आप बोलना चाह रहे हैं कि अगर कोई सरकारी में पीओन काम कर रहा है तो उसका क्या सैलरी बेसिस है, और तो प्राइवेट में भी आपका पीओन आएगा जी, वार्ड माने जो बॉय जो चाय के लिए वो भी आता है। तो सरकारी में जो अगर पीएन है तो उसका जो सैलरी है उसका 50% आप प्राइवेट में उसको एप्लीकेबल करिए, इससे बहुत ही बेटर हो जाएगा। और जो मिडिल जो माने हम लोग का जो प्राइवेट फॉर्म में जो लोग काम करते हैं उसको मतलब अपने फैमिली को चलाने में जितने आएगा तो इस तरह से उसको वर्गीकृत करके सरकार ऐसा कुछ नहीं होगा तो हम लोग अपना जीविका को जो बेरोजगारी को हम लोग कम कर सकते हैं। अच्छा अंत में मैं ये भी कहना चाहूँगा अगर ऐसे ही चलता रहा दोस्तों तो क्या कुछ ऐसा भी हो सकता है कि रेवोल्यूशन आ जाए जिससे कि मतलब गवर्नमेंट को संभालना मुश्किल हो जाएगा और ऐसा रेवोल्यूशन आएगा कि प्राइवेट सेक्टर वाले लोग इंसान को मतलब जो पर्सन को खोजने के लिए परेशान हो जाएंगे कि आज हमारे पास आइए काम करिए, क्योंकि लोग एक साधारण सैलरी में तो कोई आपके पास जॉब जाके जॉब करने वाला नहीं है। आज कर रहा है मजबूरी है, लेकिन भाई अगर नौकरी करके भी अगर अपने जीविका को न चला पाए अपने परिवार को न चला पाए तो आपके पास क्यों जाएगा नौकरी करने। तो इसीलिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ रेवोल्यूशन का नाम इसलिए मैंने दिया कि हम और आप या हमसे भी बड़े जो लोग हैं जो कि बड़ी बड़ी कंपनियां चला रहे हैं प्राइवेट सेक्टर की वो अगर आज नहीं संभलें आज नहीं अगर उस स्टेप पे काम किए तो आने वाले समय में आप लेबर और स्टाफ खोजेंगे
नून तेल सतुआ लेके खोजेंगे फिर भी वो नहीं मिलने वाले हैं। मैं यही विनती करूंगा कि इसके प्रति हम लोगों को थोड़ा सा जागरूक होना होगा और गवर्नमेंट को इसके प्रति स्टेप लेना पड़ेगा। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? एक बिल्कुल आपसे मैं पूरी तरह सहमत हूँ। और ये जो मैंने जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने जो आपसे डिस्कस किया, इस पर अगर सरकार ध्यान दे तो हम लोग एक बैलेंस करके सरकारी वर्सेस जो प्राइवेट फर्म का जो ये है उसको हम लोग मेंटेन कर पाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आशा करते हैं हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आता होगा और मैं आपसे आज विदा लेने का प्रयास करूंगा। अगले दिन फिर से नए किसी न किसी टॉपिक पे आपके सामने आऊंगा और हमारे साथ और भी कुछ मेहमान आने वाले हैं। ये सस्पेंस जरूर है लेकिन आएंगे तो आपको भी आनंद आएगा। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना न भूलें। और इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार, नमस्कार।